बहुत खुशी की बात है जी, बहुत खुशी लग रही है। और हमारे ससुर जी का दादा तबीयत खराब है, बहुत परेशान हो रहे थे जाने के लिए, मगर आज रात को आए और पता चला कि बस चालू है। सुबह सबसे पहले हम ही आए हैं, अभी जयपुर जाना चाहते हैं हम जी। सैनिटाइजर लेके चल रहे हैं और मास्क वगैरह लगा के चल रहे हैं। स्कैनिंग करा ली है, टिकट जितना 2 टिकट हैं जी, 155 रुपए लिए जी, 255 रुपए इसके, 155 लेडीज़ के हैं, 255 इसके, 285 रुपए हैं। हाँ जी, बस स्टैंड पे स्कैनिंग हो गई है जी, चलना बहुत ज़रूरी है, आदमी हर आदमी परेशान है जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद गाड़ियों का रवानगी हो रही है, ये भीलवाड़ा से चल के विजयनगर, नसीराबाद और किशनगढ़, उसके बाद जयपुर का स्टैंड रखा गया है। इसके अंदर रास्ते की कोई सवारी न लेने के लिए और कहीं नहीं उतारने के लिए कहा गया है, और वाहन के अंदर हेड ऑफिस के आदेशानुसार सवारियों को बिठाया गया है, और उसी हिसाब से इसके अंदर सैनिटाइज वगैरह जो भी साधन है वो दिए गए हैं, वो उपलब्ध कराए गए हैं, और इसी प्रकार वाहनों का संचालन चालू किया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये आगे भी इसे सुचारू रखा जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि मतलब बड़े दिनों बाद है जो पथ परिवहन सेवा जो प्रारंभ हुई है, और इसमें आज पहले ही दिन जयपुर वाली गाड़ी में 44 सवारी जो 39 सवारी बुकिंग से कटी है, और 5 सवारी परिचालक द्वारा काटी जाएगी, जो कि उसको टोल लगा है उसको पे करना है। और मैं आशा करता हूँ कि दिनों दिन इस निगम में यात्रियों की वृद्धि हो और यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले, समय पे पहुँचे, सुरक्षित पहुँचे। यात्रियों के लिए समय की पाबंदी पहली बात, दूसरी बात उनको सैनिटाइज करके और सबको मास्क लगाना अनिवार्य है, और जो निर्दय स्टैंड है उसके अलावा सवारी नहीं तो उतारनी है नहीं बिठानी है, और यात्रियों को समय पे पहुँचाना, सुरक्षित पहुँचाना। आज पहला दिन स्टार्टिंग हुई है तो इसमें भीलवाड़ा से अभी 4 गाड़ियों का जो प्रस्ताव तो हमने जो भेजा था उसमें 4 गाड़ी हमारा हेड ऑफिस से मंजूर हुई है, उसमें एक वाया श्रीनगर जयपुर है, एक वाया केगड़ी जयपुर है, एक देवली है, रिटर्न गाड़ी आएगी, और एक गाड़ी जो 10 बजे उदयपुर जाएगी वो भी वापसी सेवा यहाँ वापस भीलवाड़ा आएगी 3 बजे चल के।